नमस्कार किसान भाइयों, मैं उत्तम वर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल टेक्निकल किसान में स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, आपका तरबूज तो काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन इस समय हमारे तरबूज में आप देख सकते हैं तरबूज की पत्ती एकदम पीली हो गई है, और इसमें आप पत्ती को पीछे की ओर मोड़ के देखेंगे तो इसमें रेड कलर की एकदम छोटी छोटी मकड़ी दिखाई देखने को मिलेगी। बहुत है पत्ती के पीछे, कम से कम एक पत्ती में 50 से ज़्यादा मकड़ी लगी हुई है, और ये मकड़ी पत्ती में जो हमारा क्लोरोफिल होता है हरापन, उसको चूस के एकदम पत्ती को सुखा देती है। और ये समस्याएं लगभग में हमारे किसान भाई जितने हैं उनके में ये देखने को इस समय मिल रही है। और इस समस्या को समाधान के लिए कौन सी दवा का स्प्रे कल मैंने किया था, वो जो फास्टर प्लस नाम से एक दवा आती है, इस दवा का मैंने स्प्रे किया तो इसका रिज़ल्ट मुझे 24 घंटे बाद देखने को मिला, और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिला। सारी मकड़ी मर चुकी है। और किसान भाइयों, इस बीमारी के साथ साथ एक बीमारी और भी है जो किसान भाइयों तरबूज की एकदम फुनगी में लगती है। ये बीमारी सबसे ख़तरनाक बीमारी है। ये अगर तरबूज में लग गई एक बार तो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये थिप्स नाम की ये बीमारी है जो फुनगी में लगती है। आप इस फुनगी को एकदम करीब से देखेंगे तो इसमें आप हाथ में रखेंगे तो इस जो कीड़े हैं आपके हाथ में आ जाएंगे, एकदम छोटे छोटे कीड़े पीले कलर के होते हैं। और इन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए दोस्तों हमें कौन सी दवा का स्प्रे करना है, तो एक एडमार नाम की दवा आती है जो एमडाक्लोपिड 70% WG का प्रयोग करके 15 लीटर पानी के हिसाब से खेत में छिड़काव करेंगे, और इसका इफेक्ट सिर्फ 7 दिन तक ही रहता है, और उसके बाद इस दवा का काम करना बंद हो जाता है। और ये दूसरी दवा इसमें हम डालने वाले हैं, वो दवा कौन सी है नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताएंगे। ये थिप्स हमारे में अभी कायजे से ख़त्म नहीं हुआ है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट और शेयर करना ना भूलें। नमस्कार किसान भाइयों।